हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज उपाध्याय व्लॉग्स पर। तो शुरू करते हैं आज के नए व्लॉग को। जो तारीख है आज वो है 30 अक्टूबर और जो दिन है वो है शनिवार का। तो जो टाइम हुआ है वो 11 बज रहे हैं और मैं 11 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि काम पहले ख़त्म किया घर का। उसके बाद आज वर्षा की तबीयत ख़राब हो रही थी, थोड़ा सा उसमें थोड़ा टाइम लग गया, वरना वर्षा साथ में मिलकर दोनों बहनों काम कर लेते हैं। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और अभी जो मेरे बाल हैं वो मैंने अभी धोए हैं। आज मैंने इसलिए अपने बाल धोए क्योंकि आज मुझे अपने बालों पर ना मेहंदी लगानी है। तो मेरे हाथ की जो मेहंदी है यहाँ पर तो लाइट हो गई है और यहाँ पर रह गई है। तो बस अब कल को मैं जाऊँगी अपने ससुराल और वे लेने के लिए आ रहे हैं मुझे। तो पहले मिलवाती हूँ मम्मी से और वर्षा से। तो देखिए फ्रेंड्स, मम्मी बैठी है यहाँ पर और वर्षा वहाँ पर लेटी हुई है क्योंकि उसकी ना तबीयत ज़्यादा ख़राब है और मम्मी ये रही यहाँ पर। मैंने अभी दवाई दी है, कोई नहीं, डॉक्टर कह रहे कि आराम हो जाएगा। 3 दिन तक तो उनका बुखार का जोर ज्यादा रहता है, तो अब दवाई देकर उतर गया, आराम हो जाएगा। थोड़ी सी देर में दवाई दी है। ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, मैं मम्मी से ना सर पर मेहंदी लगवा रही हूँ और अभी जो टाइम हुआ है वो 2 बज रहे हैं, 2 बजे लगवा रही हूँ क्योंकि धूप का टाइम होता है इसलिए जुकाम भी नहीं होता और मेरा मेहंदी से ना जल्दी जुकाम हो जाता है। अभी तो जो मेरे हाथों मेहंदी लगी थी उसी का जुकाम मेरा अब तक था, आज तो फिर भी थोड़ा महसूस कर रही हूँ ठीक। और मेरा कल ब्लॉग ना इसी वजह से नहीं आया, कल ना मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बीपी भी लो हो रहा था और जुकाम हो गया था बहुत ज़्यादा, इस वजह से आज मैं बहुत ही ठीक हूँ। और फिलहाल अभी मम्मी लगा रही है मेरी मेहंदी। मेरे से लगानी नहीं आती पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ लगाने। कोई नहीं, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। हार तो मैंने कभी मान ली नहीं, ना मार सीखी। तभी तो हम भी ऐसी बन गए, कभी हार नहीं मानने के मम्मी जी। हार के आगे ही जीत है। फिर मम्मी ड्यू पियो? ड्यू मतलब? ड्यू तो वो आवे पेप्सी आवे, कोल्ड ड्रिंक। हाँ जी, चले तो थोड़ी बार मिलते हैं आपसे। अब तो पप्पा जी आ चुके हैं फिर अम्बा जी को लेने, दिखाता हूँ। पप्पा जी, पप्पा जी सोन लग रहे हैं। मेरे तो और ठीक है, तू और क्या खाओगा? कुरकुरे खा ले तेरे लिए, और मामा कुरकुरे ला दे तेरे लिए। टकाटक मेहंदी लगा रही है सर पे, मेहंदी लगवा रही हूँ। चम्मच तो लगाया मेहंदी, मम्मी चम्मच से लगाती है हमारी मम्मी, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करती है। जैसे तरह जैसे तो पिल्ले में पटाखे पटकावे ना, वैसे ही कुछ पिल्ले में पटाखे। सबको भी पता है अभी तो कि दूसरे ऐसे मत करना। अच्छा। पटाखे मत पटका ना पिल्ले में, चोट लग जाएगी। तो करके दिखा रहा था ना, करके दिखा रहा था। अगर मैं तुम्हारे पास अनार बम फोड़ दूं क्या होगा? क्या कह रहे थे पप्पा? क्या कह रहे थे? हाँ जी, ठीक है, मैं पटाखे को जलम्मा अपने लोअर में रख दूंगा बस। एक्सपेरिमेंट करें मजा आएगा। देखे तेरे को बुला लिया क्या? कौन? क्या हुआ? क्या हुआ? बुला क्यों रही थी? तो फ्रेंड्स, मैंने मेहंदी ना जो लगवा ली अपने बालों पर, मम्मी ने भी लगाई है, 1 घंटा लगाया मैंने मम्मी से पहली बार मेहंदी लगवाई है। तो ये देखिए, ये भी आ चुके हैं मुझे लेने के लिए, अभी अपना फेस वॉश कर रहे हैं और थोड़ा सा ना सर में दर्द हो गया था इससे अभी आराम करके अभी उठे आए। तो आज तो हम जाएंगे नहीं, कल को जाएंगे और क्योंकि ना अब ना तो भैया मिलने का इन्हें ना ही पापा जी मिलने के, इस वजह से कल को सुबह के टाइम हम जल्दी निकलेंगे। और फिलहाल अभी मम्मी को दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। तो ये देखिए, अब इनकी ना बाहर घूमने की प्लानिंग हो रही है। कार्तिक के जिम में जाओगे ना? हाँ जिम में जाओगे, देखते क्या हो, जिम में जाओगे। बाय बाय। तो वे तो जा चुके हैं बाहर घूमने के लिए और मम्मी यहाँ पर चटनी बनाई मम्मी जी? नहीं, मैंने दाल बनाई है वर्षा के लिए। अच्छा चलो, मैं आपकी हेल्प करी तब तक। तो
तो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और मैंने अपने हेयर ना वॉश कर लिया, जो मेहंदी लगाई थी ना अपने सिर पर वो वॉश कर लिया है मैंने, और इनके ना सर में दर्द हो रहा है, और पापा जी और रूही ऊपर से आए, पापा जी ना पेड़ों को पानी दे के आए हैं, पौधों को अभी लेके चल दिए। चले तो अब ऊपर घूम के आते हैं। रूही भी ऊपर चली गई अपने पप्पा जी के साथ। रूही इन्हें ना फप्पा जी नहीं बोलती, पप्पा जी बोलती है, ऐसे फोन करके ये बोल रही पप्पा जी मेरे लिए ना बोल लेते आना। जब इन्होंने कॉल नहीं उठाई तो इन्होंने क्या, इसने क्या क्या रूही ने व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज सेंड कर दिया। राम राम ताऊ जी, ये हमारे ताऊ जी हैं वहाँ पे, और हमारे जो सर्दियों के कपड़े हैं ना सब सूखने लग गए, तो यहाँ पर लेटे हुए रूही की मस्ती। रूही रूही कहाँ पे बब्बा जी, कहाँ पे बब्बा जी, ए अम्मा जी मारेगी ना, अम्मा जी खुद कर लेगी, देख इसमें चीटी बहुत छोटी छोटी, भगवान बब्बा जी मारेंगे। ये देखिए हमारे जो कपड़े हैं ना, फिलहाल मम्मी ने यहाँ पर डाले थे क्योंकि यहाँ पर दूसरे कपड़े सूख रहे थे, जगह नहीं थी तो मम्मी ने यहाँ पर डाल दिए। ए गंदी, मानती नहीं। फिलहाल अभी हम ना ऊपर आए हैं क्योंकि नीचे ना अभी अंधेरा हो रहा था और जो वीडियो है ठीक से बनती नहीं, क्योंकि आज मम्मी ने यहाँ पे रजाई डाल लिया तो सारा जाल ढक रहा है इस वजह से। कैसा महसूस हो रहा ऊपर आके, लग रहा है ना अच्छे से ताजी ताजी सी हवा, मच्छर लग रहे बस यहाँ। हाँ नीचे ना इतने मच्छर लग रहे थे बहुत ही ज्यादा। रूही वो तोड़ ले पत्ते, चाचू मारेंगे बहुत ज्यादा। ये लड़की सच में पागल हो चुकी है, बारीक बारीक मच्छर इतने हो रहे, सेफ्टी जितनी रखोगे उतना उतना फायदा है ना। इनका तो बहुत बुराल कर दिया नीचे मच्छरों ने, कुछ ज्यादा बुराल कर दिया। लेट जा पापा जी के पास में। ताऊ जी बैठे हैं। कीड़ों ने भी खा दिया पत्तों को इनके, मान जो टूट जाएगी वैसे भगी फिर हो जाएगी यहाँ पे। किट्टू ना वो लेके आया है डेयरी मिल्क की ना चॉकलेट आती है, ये देखिए छोटे बच्चे की तरफ कैसा खा रही है, और रूही देख रही है उनकी तरफ को छोटे बच्चे बन गए बिल्कुल ही। रुई को देख कर रुई 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 ये रुई ने क्या करा, सारी खा ली छोटे बच्चे ना कुछ अलग ही होते हैं, ये भी छोटे बच्चे बनेंगे। सारी खा ली होते हैं क्या? नहीं। इनकी कोशिश जा रही है इसमें से निकालने वाली, ये पाउच माने लग गया। अब जा रूही, रूही को पकड़, किट्टू रूही को ले क्या, रूही देख बोबो देख वहां पे देख, देख जल्दी लाऊं मैं, लाऊं पीछे रख लाऊं मैं जल्दी ले और जी पड़े बस कैसे काम कर रहे हैं आप छोटे बच्चों वाले, रुई ले जल्दी मैं ना भी नीचे भी चल सकता हूँ जी। बिलम्बा जी ये मैंने कल के पहन रखे कपड़े। हाँ बाबू जब तूने इतने गंदे कर लिए, रोई पूरी खुश हो रही खा के।
अच्छा मारना मारना नहीं, नहीं जल्दी आ। देख पप्पा जी बुला रही रुई, जल्दी जाओ जल्दी। ले उंगली से खा, उंगली से पकड़ ले।